हे गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे हम कैसीफाई के आईफोन 12 के बारे में या फिर किसी भी आईफोन के बारे में कि अगर आप लेना चाहते हैं कैसीफाई से आईफोन तो आपको फ़ोन कैसे चेक करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए फ़ोन लेते समय। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो एक भी पार्ट अगर मिस किया आपने तो हो सकता है आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट ले आएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ़ोन अगर आप कैसीफाई से ले रहे हैं या फिर कहीं मार्केट से ले रहे हैं तो आपको फ़ोन की पहले तो बॉडी चेक करनी है कि बॉडी चारों तरफ से कैसी है। अगर कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही है, अलाइन नहीं दिख रही है तो आप फ़ोन बिल्कुल भी मत लेना। और फ़ोन को बेंड तरीके से भी ज़रूर देखना, कहीं तो फ़ोन बेंड तो नहीं है, ये ज़रूर चेक करना है आपको। तो दूसरी चीज़ आती है फ़ोन के अंदर की। फ़ोन के अंदर आपको सबसे पहले चेक करनी है फ़ोन की जो डिस्प्ले है। डिस्प्ले कैसे चेक करनी है, डिस्प्ले को आपको जो है सीधे जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद जो पार्ट वाइट पार्ट होता है वो आ जाता है, या फिर आप वाइट वॉलपेपर भी चूज कर सकते हैं। वॉलपेपर चूज करके आपको बारीकी से चेक करना है कहीं पे कोई डॉट या फिर कोई भी पिक्सल बंद तो नहीं है या फिर ब्लैक डॉट तो नहीं आ रही है। पूरी पूरी डिस्प्ले आपको बिल्कुल आराम से चेक करनी है, तभी आपको दिखेगी कि कहीं पर कोई बबल बंद तो नहीं रहा है या फिर कोई भी पार्ट जो है कोई भी एलईडी बंद तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। उसके बाद आता है इसकी बैटरी। तो बैटरी आपको कैसे चेक करनी है, बैटरी को हम सीधे बैटरी पे ले चलते हैं आपको। और बैटरी पे ले जाने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो हेल्थ दिखा रहा है ये तो भाई केवल शो करने के लिए है। ओरिजिनल जो हेल्थ है आप हमारा पुराना वाला वीडियो देखिए, वहाँ से जाके आप पता कर सकते हैं कैसे आपको जो है ओरिजिनल बैटरी हेल्थ चेक करनी है। लेकिन उसके लिए आपको बैटरी स्टेट का विजेट भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको YouTube पे सर्च कीजिएगा, कोई भाई ज़रूर डाला होगा वीडियो, क्योंकि मैंने भी YouTube पे देखकर ही वो विजेट जो है डाउनलोड किया था, तब से मुझे वो मिला नहीं, नहीं तो मैं नीचे उसकी लिंक डाल देता। उसके बाद जो है अलर्ट स्लाइडर आपको चेक करना है, ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है डिस्प्ले का जो ट्रू टोन है। ट्रू टोन चेक करने के लिए आपको इस पे डिस्प्ले पे टैप करना है लॉन्ग प्रेस के बाद, यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रू टोन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। पे एक अननोन पार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बिल्कुल भी वो शो नहीं होना चाहिए कि आपके फ़ोन में अननोन पार्ट अवेलेबल है। तो अननोन पार्ट अगर आपको दिखा रहा है तो भी आपको फ़ोन नहीं लेना है, मतलब कि आपकी बैटरी या फिर जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल डुप्लीकेट लगाई गई है। तो इस तरीके से आप फ़ोन को चेक कर सकते हैं अपने आईफोन को कि कैसे आपको जो है पुराना आईफोन नहीं या फिर देख कर लेना चाहिए।